हाय नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ राधे राधे माय सोल फैमिली माय व्यूअर्स माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की और आपकी भी, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए आज रात क्या महसूस कर रहे हो, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है डियर, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो चलिए यहाँ देखती हूँ आप और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। पहले मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपकी एनर्जी कैसी है, वो आप क्या महसूस कर रहे हो उनके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है आज रात, मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिल और दिमाग में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल ऑफ दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। निकालती हूँ इस वक्त जो कार्ड है वो आप सबके नाम से मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मन में क्या है और गाइडेंस क्या मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से आपको, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी एनर्जी क्या यूनिवर्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। फ्लावरिंग, बाबा रे बाबा, आप तो बहुत कंडीशनिंग, न्यू विजन, Abundance. कहीं ना कहीं आप खुद पर कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, देखिए आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं आपके अंदर प्यार भी है, कहा जाए डियर तो आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया है या फिर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि अपने गुस्सा पे अपने फीलिंग्स पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपके अंदर गुस्सा आ सकता है आपके पार्टनर को लेकर, या अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, या फिर लग रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, या फिर आपके पार्टनर से आपसे बातचीत हो और आप उनसे सारी बातें बोल दो, क्योंकि यहाँ पे आपके मन में जितना फीलिंग्स है, जितना प्यार है, जितना इमोशंस है, इस वक्त फ्लावरिंग की एनर्जी आई है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को पाना भी चाहते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एनर्जी आई है कि आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट हैं उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, या आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, जो आपके अंदर कोई ऐसे आइडियाज आ रहे हैं करियर को लेकर, या फिर हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, या फिर आप जॉब करते हो, या हो सकता है किसी प्रकार का आपका नॉलेज ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर के लिए है उत्साह है, प्यार है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, बट आप कोई रास्ता भी ढूंढ रहे हो लाइफ में, चाहे वो पार्टनर से रिलेटेड हो या कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही हो या फिर आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है आप जहां जॉब करते हो, या फिर हो सकता है आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, हो सकता है उसको छोड़कर आप नए रास्ता ढूंढ रहे हो, या फिर आप नॉलेज गेन करो, या फिर आपकी मैरिज कहीं फिक्स, आपके पेरेंट्स, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो आपकी मैरिज कहीं कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा फील करते हुए नजर आ रहे हो। देखिए बात तो सही है कि हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर हो या फिर आपके पार्टनर का भी प्रेशर हो, लेकिन आप उन्हें चाहते भी हो, कहने का मतलब हर तरह से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, या अपने रास्ता ढूंढ रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ, अच्छा अवेयरनेस आए, मतलब कि आप अपने करियर को लेकर भी फोकस हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फ्लावरिंग की एनर्जी वो दिखाता है अनकंडीशनल लव, आपके अंदर जो खुशी है, जो पीस है, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, गॉड जानते, यूनिवर्स जानता और कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया। इस वक्त भी किसी प्रकार का आपके अंदर गुस्सा है या कोई ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम है, या फिर करियर को लेकर चिंतित हो, हो सकता है फाइनेंस को लेकर चिंतित हो, किसी प्रकार का कहीं ना कहीं कुछ ऐसे
यहाँ एनर्जी है जो कह रहा है कि खुद पर बहुत कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो आप एक्शन ले सकते हो। जितना आपने कंट्रोल किया, इस कंट्रोल को, गुस्से को, निगेटिविटी को, उनको लेट गो कीजिए, क्योंकि आप फ्लावरिंग हो, आप फूल हो, आप कमल हो, आप लोटस हो, आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसी बातें, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, पार्टनर से रिलेटेड हो, कि तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगी तो मैं ही करूंगा, अगर तुम ऐसे मानोगी तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, या तुम ऐसे जॉब करोगे, या फिर आपको करियर में, फाइनेंस में, हो सकता है ऑफिस में कुछ ऐसी बातें चल रही हो, या फिर हो सकता है किसी प्रकार का आपके लाइफ में कुछ बार बार ऑब्स्टिकल आ जा रहा है, जहां आपको लग रहा है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और जिंदगी बहुत उलझ सी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स कहना चाहते हैं जितना आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, इतना भी कंट्रोल मत करो, नहीं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग हो जाएगी। कंट्रोल को रिलीज कीजिए। यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं आता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो खुशी है, अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। तो रिश्ते शर्त पे नहीं चलते हैं, और किसी प्रकार का जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपके लिए न्यू विजन भी है, आप चाहे तो नया रास्ता ढूंढ सकते हो अपने करियर के। अगर करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड भी आप कुछ सोच रहे हो तो इस वक्त वो डिसीजन आपके लिए सही होगा। ठीक है, क्योंकि न्यू विजन और अबंडेंस, हो सकता है किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो सकता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो सकता है आप उस रास्ते पे जाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल गुस्से में नहीं करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है और उस रास्ते में जाना है। ठीक है, आप अच्छे हो, बहुत इनोसेंस, बहुत प्योर सोल हो, तो आपको, आपके ऊपर किसी का दबाव है, सॉरी मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, अगर किसी प्रकार का आपके ऊपर प्रेशर, दबाव है, करियर को लेकर चिंतित हो, कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, तो आप इतनी खूबसूरत हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, उस टैलेंट को निकालिए। ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया ये भी सही, लेकिन गुस्से को बहुत अंदर रखना ये सही नहीं है, है ना। तो सारी बाधाएं, प्रॉब्लम्स आ सकती है जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग होता है, इसे रिलीज कीजिए और उस रास्ता पे चल पड़िए जहां आपको लग रहा है, क्योंकि अबंडेंस भी आया, न्यू विजन भी आया। ठीक है, अपने टैलेंट को निकालिए, चाहे आप सिंगर हो या आप जो भी हो, सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, जिस प्रकार का आपके अंदर आर्ट है उसको निकालिए, पेंटिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, एक्टिंग हुआ, जो भी करना है आप कुछ कर सकते हो, उसमें आपके लिए खुशियां छुपी है, अवेयरनेस छुपा हुआ है, उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी भी, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, आपका नेचर इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत एहसास है, या आपके पार्टनर से रिलेटेड हो या आपके अंदर हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। अपने अंदर की एनर्जी को देखें, आप डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है, यूनिवर्स के बच्चे हो, आपके अंदर क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है, उसको देखिए। लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया होगा अगर आपने डिसीजन ले लिया। आप कंट्रोल बहुत कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने एनर्जी को, अपने गुस्से पर, या फिर किसी तरह का आपका दबाव है, प्रेशर है, या किसी तरह का ऑब्स्टिकल है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो इसको। आप कंट्रोल को थोड़ा लेट गो कीजिए, रिलैक्स मूड में आइए, और आपके तरफ बहुत खुशियां है, आप डिसीजन ले सकते हो, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। पार्टनर की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द फूल। ये टावर क्यों आया आपको पता है? ये टावर जो आया है, मैं बता रही हूं टावर क्यों आया, ये टावर इसलिए आया यहां पे व्यूअर्स। ठीक है, यहां पे देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे जो साइन है बता देती हूँ, यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या। ठीक है, और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन, ये यहाँ पे साइन है। लेकिन साइन पे ना जाइए डियर जी, क्योंकि ये साइन जो स्ट्रांग है वो बता दे रही हूँ। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी तो है, लेकिन आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है, वो सही है, लेकिन इस
कंट्रोल वाली एनर्जी से निकलना है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत एहसास आ रहे हैं, चाहे आपके करियर फाइनेंस से रिलेटेड हो, डिसीजन से रिलेटेड हो, ये आपकी एनर्जी या आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, ये इस वक्त डिसीजन आपको लेने का है व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन गुस्से पे इतना कंट्रोल ना करें कि और परेशानियां आए, उसको रिलीज करें। करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर कुछ व्यूअर्स चिंतित हो, यहां पे देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके तरफ ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है टावर की भी आई, तो टावर जो आया है ये टावर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। कहने का मतलब ये टावर कह रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ एक्शन ले और आपके साथ सेलिब्रेट करे, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते का एहसास रियूनियन कमिटमेंट और ट्रैवल की एनर्जी दिला रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन भी ले, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं और इनको आपका प्यार जो हो याद आ रहा है, उन्हें एहसास आ रहा है, एहसास आप दिला रहे हो। जब उनकी आपकी याद उन्हें आ रही है तो उन्हें आप एहसास दिला रहे हो। आपने जो दिया है वो प्यार शायद वो आपको लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन आपके न होने से उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। तो आपका ख्याल भी आ रहा है, वो आपको याद भी कर रहे हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स के आपके पार्टनर आपसे मिलना भी चाहते हैं और कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। तो यहाँ की एनर्जी में बहुत व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आया है और इस वजह से उनके लाइफ में अगर टावर मूवमेंट आया है तो ये पर्सन इस टावर मूवमेंट के बाद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और रीयूनियन चाह रहे हैं। तो उनकी प्लानिंग है आपके साथ टाइम स्पेंड करना और रीयूनियन में आना। तो ये एक्शन की एनर्जी, ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उनके मन में जो है आपके लिए प्यार, इमोशन, सेलिब्रेशन और रीयूनियन और सच्चे प्यार का आपने एहसास दिलाया है डियर। तो इस पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है, अब ये पर्सन आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। इस वक्त हो सकता है कि अगर इन्होंने आपसे मैरिज नहीं की है, अगर आपका इन्होंने दिल दुखाया है, तो ये थोड़ा सा होता ना कि कैसे तुम्हें मनाओ, कैसे स्टेबिलिटी ऑफर करो, क्योंकि इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हैं, परेशानियां हैं। हो सकता है इनके ऊपर सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, बट आपको ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं और ये पर्सन आपका आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स आपके साथ आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एनर्जी आ रही है कि पहले ये पूरी तरह स्टेबल हो जाए तो जाकर ये आपसे सेलिब्रेट तो करना ही चाह रहे, यूनियन में आए और आपको कमिटमेंट दें। लेकिन ये टावर कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्शन की एनर्जी है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ट्रैवलिंग कॉल मैसेज की एनर्जी, द फुल एक्शन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बेफिक्र होकर और इन्हें आपके साथ रियूनियन में आना है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग आती हुई दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर आपको प्यार का ऑफर भी करना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जी में है आपके पार्टनर और ये आपको दिल से स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं और आपके तरफ बात भी करना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स आपकी तरफ बातचीत हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है और कुछ व्यूअर्स आपकी ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 4 नंबर और 6 नंबर यहाँ आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जो आपके लिए गाइडेंस हुई है उस गाइडेंस को फॉलो करें। अगर आपकी दिली इच्छा कि मैं कोई रास्ते में जाऊँ, उस रास्ता में आप जा सकते हो, क्योंकि आप इस गुस्से पर काबू कर लोगे, एंजाइटी पर काबू कर लोगे, या फिर किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उनको आप रिलीज कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। आपके रास्ते में बहुत खुशियाँ, क्योंकि अबंडेंस दिया है तो लाइफ की सारी खुशियाँ आपको दे सकता है। इसलिए कंट्रोल अगर कर रहे हैं गुस्से पर तो उसको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए और फ्लावरिंग की एनर्जी में आइए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत सोलो, डिवाइन सोलो और आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो आप अपना जरूर देख लीजिए एनर्जी, ये एनर्जी आपकी है और ये गाइडेंस के रूप में निकालती हूँ एनर्जी के साथ कि आप गाइडेंस को भी फॉलो करें। हो सकता है बहुत जल्द आपको कोई रास्ता मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी, ये जॉब या किसी प्रकार का आपका
अच्छा अपॉर्चुनिटी ही मुझे दिखाई दे रही है। ये पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई अच्छी जॉब भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहोगे बाबू गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है, नाराजगी दूर करना, तो अब आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ने का इरादा बना लिया है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन और रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं और ट्रैवलिंग की, तो बहुत कुछ आपकी तरफ कॉल मैसेज भी आ सकता है। तो यह है आज रात की एनर्जी आप दोनों की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।